नमस्कार दोस्तों, मैं एक नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों चल रहे बनाने आज करीब 15 दिन बाद चिकन यानी कि मुर्गा भात। चिकन हम वही हिसाब से बनाएंगे जिसे हमेशा खाते रहते थे बचपन से, तो वही वाला स्टाइल में बनाएंगे ताकि जल्दी बनाना है। ये देखिए सेटअप अपना पूरा लग गया है, तो सारा सामान भी आ गया है। देखिए चिकन जो है आज हम 750 ग्राम चिकन लिए हैं, इसको धुल के साफ़ कर लिए हैं, ढक के रख दिए हैं। ये देखिए इधर मसाले में क्या क्या है ये भी दिखाते हैं। प्याज लिए हैं बारीक कटी हुई, बेलन क्या काम है ये भी बताएंगे हम, अदरक लहसुन हरी मिर्च इसको हम कूटेंगे बेलन से गिलास में। इधर हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं, एक लहसुन है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, स्टार फूल और दालचीनी की लकड़ी है और काली मिर्च, जीरा, इतना ही। और मसाला डालेंगे मीट मसाला, जो भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो यही मसाले बनाएंगे, एकदम ज़बरदस्त बनाएंगे। जल गई गैस, लगाते हैं कढ़ाई। तो ये कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें जाएगा सरसों का तेल। तो आज थोड़ा ही तेल डालेंगे, तो हमेशा कमेंट आता है तेल ज़्यादा डालते हैं, तेल ज़्यादा डालते हैं। तो तेल ज़्यादा नहीं रहता है, वो सिर्फ दिखता है कैमरे में बस। तो देखिए तेल हल्का ही गर्म होना चाहिए, उसके बाद इसमें खड़े मसाले जाएंगे। ये देखिए तेल हल्का ही रखना है गर्म, नहीं तो मसाला क्या होता है जलना चालू हो जाता है। तो हमको मसाले को हल्का से तेल में देखिए इस तरह घुमा देना है। उसके बाद इसमें जाएगी प्याज। ये देखिए ये तीन प्याज छोटी छोटी काटे हैं हम, इतना ही प्याज डालेंगे। तो प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, देखिए मस्त भूजेंगे प्याज और खड़े मसाले को, और प्याज को एकदम बढ़िया से ब्राउन कर देना है। देखिए तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक हम अदरक लहसुन हरी मिर्च को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आ गया गिलास और अदरक लहसुन हरी मिर्च, और इसको जो है इसमें गिलास में ले करके आराम से बेलन से देखिए कूटना है, और थोड़ा हाथ ऐसे पकड़ लेना है, इधर उधर जो है लहसुन जाए ना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कूटा हुआ है। अब इसको हम गिलास से निकालेंगे कटोरी में, इसको साफ कर लेते हैं। देखो बेलन में लगा है जो मसाला अदरक लहसुन हरी मिर्च का, ये देखिए ज़बरदस्त कूट गया है। तो अब इसमें हम निकालेंगे कटोरी में, देखिए इसे चाकू की मदद से आराम से इसको सारा माल को निकालेंगे। ये देखिए तो आ गया, देखिए कितना ज़बरदस्त हम कूट के तैयार किए। चलते अब देखते हैं अपने प्याज की तरफ। तो देखिए प्याज भी हमारी 50% हो गई है, अब इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। देखिए कलर आ रहा है प्याज में ज़बरदस्त। तो देखिए प्याज एकदम रेडी हो गया, अब डालेंगे हम चिकन। तो इसमें अब जाएगा लेग पीस, डबल लेग पीस। तो आज तीन लेग पीस नहीं लाए हैं, ताकि अगले वीडियो में काफ़ी कमेंट आ गया है कि एक मुर्गे में तीन लेग कहाँ से मिल गया, तो एक्स्ट्रा लेग ले लेते हैं। तो ये देखिए चला गया चिकन और एक कलेजी, एक पोटा भी है इसमें। तो इसके साथ में ही अदरक लहसुन हरी मिर्च का कुटा हुआ मसाला भी जाएगा। देखिए अब इसको चिकन को बढ़िया से मिला के देखिए भूनना है, मस्त। अभी चिकन पानी भी छोड़ेगा, इसको अच्छे से इसी के साथ में रोस्ट करना है। देखिए तो गैस को थोड़ा जो है हल्का तेज़ रखना है, ताकि जल्दी पानी छोड़ देगा चिकन। ये देखिए तो चलो इसको पहले हम रोस्ट करते हैं अच्छे से इसमें हम। तो देखिए किनारे किनारे चिकन जो है पानी छोड़ रहा है, ये देखिए इसको इसी तरह जो है आराम से मिला देना है, और जैसे पानी छोड़े फिर से एक बार हमको चिकन को ऊपर नीचे कर देना है। ये देखिए और फिर इसी हिसाब से आराम से सेट कर देते हैं, ये आराम से पानी छोड़ेगा। इसको देखिए कितना पानी छोड़ रहा है धीरे धीरे, अब इसको देखिए अब आराम से चिकन को फिर घुमा देंगे हम एक बार ऊपर नीचे करके, फिर हम इसको 2 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे और आराम से पानी रिलीज हो जाए। देखिए तो चिकन को आराम से ही चलाना है। ये देखिए अब नमक वाली वही जो बात करते हैं सब लोग कमेंट में कि नमक बाद में आप डालते हैं, नमक अगर डाल देंगे तो चिकन हमारा फटना चालू हो जाएगा,
फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम जो है पहले पानी को एकदम सुखवाएंगे, डार्क करेंगे, उसके बाद इसमें हम नमक कब डालते हैं वो भी बताएंगे हम। देखिए तो देखिए पानी छूट रहा है धीरे धीरे। अब देखिए ऐसे छोड़ दिए कलछी हम और आराम से पानी रिलीज़ हो रहा है। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च और खड़े मसाले के साथ में जो प्याज साथ में, इसको हम प्याज को पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद जब चिकन को हम इसके साथ फ्राई करते हैं इसका टेस्ट ही बढ़ जाता है। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट का जो रहता है इसका फ्लेवर ये आ जाएगा और खड़े मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक आ जाएगा, इसीलिए हम इस तरह फ्राई करते हैं। देखिए तेल अब जो है धीरे धीरे छोड़ रहा है, इसका मतलब पानी हमारा अब कम हो रहा है। तेल जब दिखना चालू हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा चिकन पानी एकदम से सूख गया है। तो देखिए धीरे धीरे तेल हमारा आ रहा है। अब तो इसको एक बार हम फिर से देखिए उल्टा पलटी करेंगे। ये देखिए जो चिकन नीचे है उसको हम ऊपर कर देंगे और नीचे वाले चिकन को ऊपर कर देंगे। ये देखिए इससे क्या होगा, बढ़िया से चिकन फ्राई हो जाएगा। ताकि अब तेल तेल बच रहा है, पानी सब धीरे धीरे सूख रहा है। ये देखिए तो देखिए अब एक बार फिर से इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ये अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है चिकन में, देखिए ये एकदम सूख गया। ये देखिए अब सिर्फ इसमें तेल तेल बचा है, कहीं पानी बिल्कुल नहीं है। इस तरह पानी को जो है चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसमें सूख जाए तब फिर इसमें जो है मसाला वगैरह डाला जाए। देखिए अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो देखिए अब इसमें जाएगा मीट मसाला या चिकन मसाला जो भी आपके पास हो वो डालिए। इसमें हम जो है 2 चम्मच भर के डालेंगे, मंदाज से डाल देंगे। ये देखिए आपके सामने ही डाल रहे हैं मसाला हम, तो 2 चम्मच मसाला हम डाल दिए हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गुनगुना पानी, ये हम गर्म पानी करके रखे हैं, थोड़ा सा गुनगुना अब इसमें थोड़ा सा जाएगा बस बस, इससे कि मसाला हमारा जले ना। अब इसको हम मस्त देखिए मिलाएंगे मसाले के साथ में, इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे हम। ये बहुत जल्दी बनने वाला चिकन है। ये देखिए तो मस्त हम इसको अच्छे से मसाले को मिला देते हैं सब चिकन में। देखिए चिकन हमारा पक भी रहा था, लेग जो है देखिए अलग होना चालू हो गया है, बिना नमक डाले ही जल्दी से पक जाता है, इसलिए नमक हम बाद में डालते हैं। इसको अच्छे से हम अब मिला देते हैं। ये देखिए और मसाले को अच्छे से पकाएंगे अब। तो देखिए मसाला भी हमारा एकदम रेडी हो गया और चिकन लेग पीस देखिए कितना ज़बरदस्त पक गया है। इसको मुश्किल से हम 1 मिनट ऐसे आराम से हम भून लेते हैं। देखिए मसाला एकदम रेडी हो गया है, जब तेल तेल इसमें दिख रहा है और तेल आज एकदम कमे छोड़े हैं, मतलब कि कमे डाले हैं। ठीक है देखिए तो इसको थोड़ा सा इससे ही हिलाना है चिकन को धीरे धीरे हल्के हाथ से। ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, अभी कोई मसाला इसमें सिर्फ 1 मसाला डाले हैं और कोई मसाला नहीं डाले हैं। कौन सा, वही अपना मीट मसाला, ये हमारा लोकल का है मीट मसाला। तो कंपनी का नाम तो आप देखे होंगे, हम कंपनी का नाम नहीं बोल सकते इसमें हम। तो ठीक है जो आपके यहाँ मसाला मिले वही डालिए, एक ही मसाला से बनाइए। बाकी खड़े मसाले हम डाले ही थे ना, तो खड़े मसाले भी उसमें फ्लेवर आता है और टेस्टी तो ऐसे भी हो जाएगा। अदरक लहसुन तो भाई ज़बरदस्त होता है चिकन मटन के लिए। ये देखिए इसको हम 1 मिनट भून लिए, अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, ताकि मुर्गा भात खाना है भाई सूखा कहाँ खा पाएंगे, थोड़ा सा ग्रेवी तो होना ही चाहिए। ये देखिए तो चलो इसमें डालते हैं पानी। तो इसमें अब हम डालेंगे पानी बस, इसको अच्छे से हम कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है मसाले का जो भूजे हैं हम। तो इसको अच्छे से देखिए मिलाएंगे पानी को और जो नीचे मसाला लगा होगा उसको छोड़ाएंगे। इसको हम 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ढक के। अभी इसको हम नमक भी डालना है, देखिए पहले इसको हम अच्छे से मसाले को छोड़ा देते हैं। देखिए जो नीचे मसाला लगा हो तो पानी पड़ते हुए मसाला ऑटोमेटिक कढ़ाई से या भगोले में जिसमें आप बना रहे हैं कुकर में किसमें तो छूट जाएगा। तो देखिए इसमें हम डालेंगे नमक, देखिए बॉयल आना चालू हो गया, इसमें गया नमक, स्वाद हिसाब से नमक डालना है
बस। तो नमक को भी थोड़ा सा चला देते हैं और चिकन और ग्रेवी में नमक हो जाए। अभी ग्रेवी हमारी थोड़ा थिक हो जाएगी, अभी हमको चिकन भी पकाना है। चिकन तो हमारा 50% तो पक ही गया है जब मसाला हम भूज रहे थे तब। तो चलो इसको हम आराम से ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारा चिकन ये बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद खोल के दिखाएंगे हम इसको। हम इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे 5 मिनट। दोस्तों चिकन ढक के रख दिए हैं पकने के लिए। देखिए उधर पक रहा है धीमे धीमे आंच पे आराम से। तो आज करीब 15-16 दिन बाद चिकन का प्रोग्राम हो रहा है और चिकन एकदम सिंपल बना रहे हैं, जैसे अभी बताए थे कि हमेशा बनाते हुए आए हैं। तो ये चिकन एकदम जल्दी बन जाता है और कोई भी बना सकता है इसको। तो आप लोग बना के ट्राई करिए इस तरह, और कोई ज़्यादा मसाला मत डालिए। एक मसाला लाइए, 5 रुपये या 10 रुपये पैकेट भी आता है पाउच का, उसको डाल के बनाइए। तो ठीक है, अभी इसको हम जो है इसे ढक के छोड़ दिए हैं 5 मिनट, एकदम रेडी हो जाएगा। जब तक धनिया उनिया हम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको खोल के दिखाएंगे, इसमें धनिया डालेंगे और खाएंगे तो इसका स्वाद भी बताएंगे कितना ज़बरदस्त हमारा बन के रेडी होता है। दोस्तों देखिए चिकन एकदम बन के रेडी हो गया। 5 मिनट बाद गैस को हम करनी है बंद, गर्म भी है। इसको हम पकड़ेंगे इस तरह, देखिए ये अपना एक स्टाइल में। तो चलते हैं, ले चलते हैं अंदर। इसमें धनिया उनिया डालेंगे, बहुत गर्म है भाई। ये आ गया चिकन, इसको खोलते हैं, दिखाते हैं कितना जबरदस्त चिकन बन के रेडी है। आइए जरा कैमरा करीब लाइए, ये देखिए कितना जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। इसमें अब धनिया उनिया डाल देते हैं फटाफट हम। इसमें जाएगी अब हरी धनिया, देखिए जबरदस्त धनिया को हम एक बार देखिए मिला देते हैं चिकन साथ। चिकन कितना जबरदस्त बन के हमारा जमाज रेडी हुआ है, ये देखिए लेग पीस वगैरह देखिए कितना जबरदस्त रेडी हुआ है। जिम भी बीमारी चिल्ला रहे हैं खाने के लिए। तो चलो इसको इसे हम थोड़ी देर के लिए सेट करके रख देते हैं ताकि धनिया वगैरह का फ्लेवर इसमें चिकन में आ जाए। तो देखिए खाना खाने चलते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे भाई भात थाली में, तो निकालते हैं पीस लेग पीस और लहसुन और एक अपना फेवरेट पोटा और ग्रेवी, ये देखिए। तो अभी हम पीस और लेंगे, हम लेंगे कलेजी, देखिए आधी कलेजी। तो ये देखिए निकाल लिए थाली पीस और इसमें गया प्याज और मूली, भी मूली भी है, एक मूली और लेंगे हम, एकदम रेडी है। इसमें अभी नींबू भी मारेंगे हम। तो ये आ गया नींबू, थाली एकदम रेडी हो गई। चलते हैं फटाफट खाते हैं, ले चलते हैं कमरे में खाएंगे आराम से बैठ के। चलिए शुरू करते हैं आगे रूम में, आराम से खाएंगे बैठ के थोड़ी देर तक। अभी काफ़ी दिन बाद आज खा रहे हैं, 15-16 दिन बाद। इधर मेरे पास रोटी भी है, तो मुर्गा भात रोटी भी चलेगा। तो शुरू करेंगे पहले हम लेग पीस से, देखिए है कितना जोशी तैयार है। बहुत ज़बरदस्त चिकन है, ताकि मसाला भी दिखाया क्या क्या डाला गया था। और लेग पीस देखिए एकदम जूसी भी है, अंदर तक मज़ेदार मसाला गया हुआ है। जबरदस्त है। और क्या जो देखिए ग्रेवी जो है जबरदस्त है, एकदम सिंपल स्टाइल से बनाया गया है, बहुत सुपर है भाई। और ज़्यादा मसाला बिल्कुल नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 चम्मच मसाला जो डाले थे उसमें बना है, एकदम टेस्टी है। ये देखिए और थोड़ा खड़ा मसाला जो मुंह में लगे उसको निकाल दीजिए, बहुत स्वादिष्ट है।
यही है कि जैसे भूजने पे पॉइंट रखिए, जब भूजा जाता मसाला को जाओ बढ़िया से, जिसे हम भूज रहे थे उस हिसाब से भूजिए तभी मजा आएगा। मसाला हल्के ही डालिए, बढ़िया है। लहसुन तो भाई बाद में खाएंगे, पहले हम अब शुरू करेंगे बहुत टेस्ट से। तब वीडियो थोड़ा रोकना पड़ेगा हमको, ताकि वीडियो बनाते वक्त खा नहीं पाएंगे। एक खाना है हमको बहुत जल्दी जल्दी। वाह एकदम जबरदस्त है, स्पाइसी बहुत बढ़िया है। अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च पड़ी थी उसका स्वाद ही लग रहा है। तो पहले शुरू करते हैं, पहले रोटी के साथ में खींचेंगे, चावल के साथ में खाएंगे तब भी दिखाएंगे। तो खा लिए अब, तो लहसुन साइड में रखेंगे और पोटा खा लीजिए भाई, रोटी साथ खा लिए, इधर कुछ आइटम रख दिया निकाल के। अब हम शुरू करेंगे मुर्गा भात वाला प्रोग्राम, तो इसमें नींबू भी मारेंगे। बिना नींबू भाई मज़ा नहीं आएगा, आराम से बस। नींबू का बिया गिर जाता है ना तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो मिलाते हैं बढ़िया से चावल के साथ में, पोटा बाद में भाई, पोटा भी नहीं। तो देखिए मिला लिए चावल में, ग्रेवी उसमें जाएगा भाई। अब प्याज ऊपर थोड़ा नींबू और मारेंगे बस, अब मजा आएगा। बहुत जबरदस्त भाई, साथ में पोटा भी जाएगा, अब मजा आएगा। लहसुन हो सकता है काफी दिन बाद खा रहा है इसलिए मजा आ रहा है, मैं टेस्टी है ऐसा है, टेस्टी बहुत जबरदस्त है। लहसुन का बहुत मजा आ गया, जो चिकन साथ लहसुन पकता है भाई हमारे यहाँ यूपी में उसका स्वाद ही कुछ और है। तो खाना वाना हो गया, अपने जिम्मी के लिए भी खाना देखिए बना लिए हैं, साइड में रखते हैं और जिम्मी को जो है बुलाते हैं। तो लाइट पहले जला देते हैं, लाइट जल गई। जिम्मी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर खाना इधर चलो। तो आगे जिम्मी खाने के लिए, तो आराम से खाएंगे अपना। देखिए खाना चालू कर दिए हैं, उठा उठा के एक एक पीस पीस खाएंगे, खा लो।
तो चलो हम भी हाथ पाथ धुलते हैं, खाना चालू कर दिए हैं जिम्मी हमारी। तो मज़ा आ गया भाई, काफ़ी टेस्टी था, मज़ा बहुत फुल मज़ा आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे।